हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, आज हम चैप्टर थ्री पर ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री, तो इसमें हम पढ़ेंगे मोर ऑन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड का पढ़ेंगे कि क्या होता है ये और इसमें हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड क्या है मैं आपको बता दूँ, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब हुआ पूरी दुनिया में, और इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है हर तरह की कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, यहाँ तक कि बिजनेस छोटे मोटे दुकानों पर भी। आजकल अगर लिस्ट निकालनी हो तो लोग एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला। तो इसको आप ओपन करेंगे कैसे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और वहाँ पर आप एमएस ऑफिस देखेंगे। एमएस ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप विंडो आर प्रेस करेंगे, विंडो का बटन है आपके कीबोर्ड पे, उसके साथ आपको आर प्रेस करना है। विंडो के साथ आर एक डायलॉग खुलेगा, वहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड डॉट ई एक्स सी और इंटर बटन प्रेस कर देना है। क्या करना है बच्चों, आपको विंडो आर, आपके कीबोर्ड में विंडो का की होगा ऐसा, इसको आप देखिएगा, सो उसके साथ आर दबाइएगा, एक डायलॉग खुलेगा आपके पास, उसमें टाइप करने का ऑप्शन होगा, वहाँ टाइप कीजिएगा विन वर्ड डॉट ई एक्स सी और उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका विन वर्ड खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। ये शॉर्टकट है। बाकी आपको जैसा मैंने पहले बताया कि स्टार्ट मेनू में जाके ऑल प्रोग्राम्स में जा करके आप एमएस ऑफिस वाले फोल्डर में क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। दूसरा, तीसरा तरीका क्या है कि स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिएगा, वहाँ नीचे सर्च का ऑप्शन रहता है टाइप करने के लिए, वहाँ पे टाइप कीजिएगा एमएस वर्ड तो भी आ जाएगा। तो ये सब तरीके हैं ओपन करने के। तो फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या क्या है, इट टाइप्स, एडिट्स, सेव्स एंड प्रिंट्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स कर सकते हैं, बना सकते हैं हम लोग, टाइप कर सकते हैं। एडिट मतलब होता है कि अगर गलत हो गया उसको ठीक करना या उसमें कुछ ऐड करना हो, उसको एडिटिंग कहते हैं। सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं उसका, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, नैरेट अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको, ठीक है। लुक ऑफ द टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स, टेक्स्ट का कलर्स, स्टाइल्स और इफेक्ट्स ला सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उसका शेप, मार्जिन, शेडिंग, बॉर्डर एक्सेट्रा कर सकते हैं आप, उसमें मार्जिन बना सकते हैं, शेडिंग, बॉर्डरिंग कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, मिस्टेक्स हैं, ग्रामर आपको ऑटोमेटिकली देता है टाइप करने पर, रेड रंग का निशान, लाल कलर का अंडरलाइन हो जाता है अगर आपने गलत लिखा है तो, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सही वर्ड दिखाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में अलग होते हैं और हमारे उसमें अलग होते हैं, जैसे कि अगर हम कलर लिख रहे हैं तो कलर का स्पेलिंग होता है सी ओ एल ओ यू आर, हम लोग जो लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कलर का स्पेलिंग होता है सी ओ एल ओ आर, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे कलर लिखा है सी ओ एल ओ यू आर, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं वो वर्ड पे वो सी ओ एल ओ आर होता है, तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा ना। आप सोचोगे कलर का स्पेलिंग गलत है, उसमें नीचे आप कलर लिखोगे अपना वाला कलर, ये वाला कलर लिखोगे आप, तो वहाँ पे देखोगे रेड कलर का निशान अंडरलाइन आएगा, तो आप सोचोगे गलत है। नहीं, गलत नहीं होता, वो भी सही है, वो भी सही है ना। कंप्यूटर जो है दो वोवल्स एक साथ नहीं लेता कुछ चीज़ों केसेस में, इस वजह से ऐसा आता है। जैसे आपने लिखा नेबरहुड, तो नेबरहुड में भी ऐसा होगा, है ना, बिहेवियर में भी ऐसा होगा। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिनमें कंप्यूटर अपने हिसाब से करता है, तो आप चाहे वो लिखें चाहे आप अपना लिखें, दोनों ही सही होता है। तो जो समझदार है वो जानता है कि कंप्यूटर में ऐसा चेंज होता है। बाकी आप चाहें तो आप अपना ही लिखिए, और अगर अंडरलाइन में एरर आ रही है ऐसे वर्ड में लेकिन आपको पता है कि आपका वर्ड सही है, तो वो उसको आपको मिस्टेक को ठीक करने का ज़रूरत नहीं है, वो अंडरलाइन आने दीजिए। उसमें आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में अपने, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स के साथ, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप पर ये क्विक एक्सेस है, ये ऑफिस का होता है, इसमें सेव, न्यू कर सकते हैं, न्यू फाइल और सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, है ना, बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको। और भी ये आपका रूलर है, ये आपका कर्सर है, ये आपका एरिया है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, ये आपका इसमें आपको टाइप करना है अपने, ठीक है। फिर आपका ये टाइटल बार है, ये देखिए ये टाइटल बार है आपका, ये आपका मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन, ये क्लोज बटन, सबसे पहला वाला मिनिमाइज, के बीच वाला मैक्सिमाइज, उसके बगल वाला क्लोज बटन, और ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। ये देख रहे हैं ना, इतना ये
ये पूरा जो रेड, देखिए आपकी किताब में भी है, देख लीजिएगा, ये पूरा रेड कैल जो एरिया है इसको रिबन कहते हैं। इसमें आपके शॉर्टकट्स दिए जाते हैं सारे, पहले के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होता था उसमें ऐसा शॉर्टकट ऐसा रिबन एरिया नहीं होता था, है ना, तो उसमें हम लोग को मेन्यू में जाके काम करना पड़ता था सारा, लेकिन अब तो शॉर्टकट आपको सामने ही दे रखा हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या होता है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है ना, तो इसमें आपको जब क्लिक करोगे तो इसमें मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, सेव अ फाइल, है ना, एंड परफॉर्म मेनी अदर टास्क, और आप देखोगे उसमें आपको दिखेगा। फिर क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, इसमें आपके जल्दी से आप किस जो चीज़ करना चाहते हो उसके लिए छोटे छोटे शॉर्टकट बने हुए हैं, जैसे आप उसमें क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट सेव कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, अंडू मतलब गलती हो गई तो उसको ठीक कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, वैसे अंडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल जेड, है ना, अंडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल जेड एक साथ दबाओगे तो अंडू हो जाएगा, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई तो आपका रीडू हो जाएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, तो ये शॉर्टकट मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हो, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। फिर टाइटल बार है, टाइटल बार में आपके डॉक्यूमेंट का नाम दिखाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट पे आप कभी काम कर रहे हो। रिबन में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि इसमें क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं, मतलब इसमें आपको टैब ग्रुप के रूप में आपको क्या मिलेगा, कमांड्स मिलेंगे, शॉर्टकट्स मिलेंगे आपको जो काम आप पे करने होते हैं, मेनू में जाके डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हो। फिर आपका रूलर है, रूलर में क्या है, रूलर में आपका पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो, आप टैब्स लगा सकते हो, है ना, जैसे कि इतने गैप के बाद आपका कर्सर मूव करे, जैसे आप यहाँ पर चाहते हो यहाँ पे आए कर्सर, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, तो टैब सेट कर सकते हो रूलर में। बाकी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ ऊपर अपने रूलर पे आप माउस लेके जाओगे, यहाँ पर तो यहाँ पे माउस लेके जाओगे तो माउस थोड़ा ऐसा एरो का ऐसा बन जाएगा आपका, है ना, ऐसा, तो यहाँ पे जब आप माउस लेके जाओगे तो इसको कम ज़्यादा करके अपना मार्जिन सेट कर सकते हो कि लेफ्ट से कितना मार्जिन है, राइट से कितना मार्जिन है, ऐसा आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्क एरिया आपने देखा ही, वर्क एरिया वो वाइट एरिया जिसमें आपको काम करना है, स्टेटस बार नीचे होता है जिसमें आपका पेज नंबर दिखाता है, यहाँ पर नीचे होगा यहाँ पेज नंबर दिखाएगा, वर्ड काउंटिंग दिखाएगा कितने वर्ड आपने टाइप किए वगैरह। अब देखिए कस्टमाइजिंग द वर्ड एनवायरनमेंट, इसको कस्टमाइज करना है तो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम एस वर्ड ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइज ऑप्शन, वर्ड वर्क द बेस्ट फॉर यू टू एक्सेस दीज कस्टमाइज ऑप्शन परफॉर्म द फॉलोइंग, क्लिक द ऑफिस बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, फिर आपको क्या करना है, क्लिक द वर्ड ऑप्शन, जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ वर्ड ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद दिस फीचर अलाउज यू टू पर्सनलाइज योर वर्क एनवायरनमेंट विद लैंग्वेज, कलर स्कीम्स, यूजर नेम एंड टू एक्सेस द लाइव प्रीव्यू फीचर, या वो क्या क्या देगा, लैंग्वेज बदल सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, जैसे कैसा डार्क है, लाइट है, कैसा जो भी आप चाहो, थीम्स वगैरह, ठीक है, यूज़र नेम एंड टू एक्सेस द लाइव प्रीव्यू फीचर, अब उसका लाइव प्रीव्यू भी बदल सकते हो। द लाइव प्रीव्यू फीचर अलाउज यू टू प्रीव्यू द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग चेंज, जो भी आप इसमें चेंजेस करोगे वो लाइव प्रीव्यू में आपको दिखाएगा, है ना, तो यहाँ पर आप देखो ये आपको इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसमें जाना चेक करना आपको क्या क्या चेंज करना है, वो चेंज करके आप इसमें ओके कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए ये डिस्प्ले ऑप्शन में कैसा दिखेगा, डिस्प्ले ऑप्शन में आप चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले ऑप्शन ये है आपका, दिस फीचर्स अलाउज यू टू मॉडिफाई हाउ द डॉक्यूमेंट कंटेंट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड व्हेन प्रिंटेड, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा स्क्रीन पर और प्रिंट पर कैसा दिखेगा। फिर प्रूफिंग, प्रूफिंग क्या, दिस फीचर्स अलाउज यू टू पर्सनलाइज हाउ एम एस वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स योर टेक्स्ट, यू कैन कस्टमाइज ऑटो करेक्ट सेटिंग्स एंड इग्नोर सर्टेन वर्ड्स फॉर एरर्स इन डॉक्यूमेंट, तो आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो सेटिंग्स को, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से चाहे तो, और अगर कोई वर्ड में एरर है तो उसको इग्नोर भी किया जाता है, जैसा मैंने आपको कलर और बिहेवियर और नेबरहुड जैसे वर्ड्स के केस में बताया, आप वैसा भी इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डायलॉग में ये प्रूफिंग है, इसमें सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको देखोगे, है ना, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, इग्नोर वर्ड्स
ये सब चेक कर, अगर ये हटा दोगे तो ये उसको चेक करेगा बार बार, और चेक रहेगा तो उसको छेड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी है यहाँ पर, इसको भी आप चाहो तो बदल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर आ जाओ सेव पर। दिस फीचर अलाउज यू टू पर्सनलाइज हाउ डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। यू कैन स्पेसिफाई हाउ ऑफन यू वॉन्ट ऑटो सेव टू रन एंड वेयर यू वॉन्ट द सेम डॉक्यूमेंट सेव। तो आपका ऑटो सेव ऑप्शन भी चलता है, ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि ऑटो सेव हो जाता है अगर आप थोड़ी देर तक काम करते हो। तो सेव ऑप्शन में आप जाओगे यहाँ पर, ये देखो सेव ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर सेव ऑटो ग्रीवरी एवरी, आप यहाँ से कितने समय में आपका ऑटो सेव हो जाए, है ना। तो ये ऑप्शन आप घटा बढ़ा सकते हो, इतने मिनट्स में, 10 मिनट है तो उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। आपका फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, ये यहाँ पे देख सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट DOCX है। आपका ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन कहाँ से आएगी वो भी ये है। डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन कहाँ जाती है डॉक्यूमेंट्स में, आप चाहे तो इसको आप ब्राउज करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ भी सेव चेक्ड आउट फाइल्स टू सर्वर ड्राफ्ट लोकेशन ऑन द कंप्यूटर, वो अपने हिसाब से आप बदल सकते हो जैसा आप चाहो। अब यहाँ पर आप देखिए एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, दिस फीचर्स अलाउज यू टू स्पेसिफाई ऑप्शंस फॉर एडिटिंग, टाइप कॉपिंग, पेस्टिंग, डिस्प्लेइंग, प्रिंटिंग एंड सेविंग। तो ये आपको क्या क्या ऑप्शन देता है ये मैं दिखाता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ इसको। टाइपिंग, रिप्लेस सेलेक्टेड टेक्स्ट, और इसको आप चेक करोगे, हटा दोगे तो आपको डिलीट करके जाना पड़ेगा, आप सेलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, है ना। इसको आप पढ़ के अपने हिसाब से लगाना चाहो लगा लो, हटाना चाहो हटा लो। फिर आता है कस्टमाइज। कस्टमाइज अलाउज यू टू ऐड फीचर्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। इफ़ देयर आर टूल्स दैट यू आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली यू कैन ऐड टूल्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। तो कस्टमाइज में क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज में आपको कौन कौन से जो बहुत ज़रूरी टूल्स आपको चाहिए जो हर समय आपके वर्ल्ड में काम आते हों, तो उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार में जो कि ऊपर था टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर था, मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो, है ना। तो कस्टमाइज में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे इतने सारे, तो इसमें से आपको जो जो चाहिए आप वहाँ पर करोगे, जब आप तो ये वहाँ पर आपको दिखने लगेगा, और जब आप क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट चेक ओपन हो जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं आगे का, तो टेबल्स इन MS Word। टेबल्स क्या होती है, द टेबल हेल्प्स टू ऑर्गनाइज टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट्स ऑन ए पेज। वैसे मैं टेबल की डेफिनेशन बता दूँ, इट्स द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये तो आप भी जानते होंगे, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज होता है उसमें। तो टेबल का यूज़ क्या होता है, टेबल एक परफेक्ट मैनर में किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, डेटा बनाने के लिए भी टेबुलर फॉर्मेट में अगर हमें कुछ डेटा चाहिए तो उसके लिए भी टेबल का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको कहाँ से करेंगे ये देखेंगे, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, वहाँ पर आपको टेबल मिलेगा। तो ऐसे भी सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए आपको और कितने नंबर ऑफ़ रोज चाहिए, तो इससे जितने बॉक्सेस हमको सेलेक्ट कर लोगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स रोज से बन जाएंगे यहाँ पर। नॉर्मली अगर आपको डायलॉग के हिसाब से चाहिए तो नीचे आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, तो ये आपको एक डायलॉग खोलेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ़ रोज चाहिए वो आपको दिखेंगे, तो आप उसमें एंट्री करके ओके करोगे तो भी आपका टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर को बड़ा छोटा कर सकते हो, कॉर्नर से खींच तान के इधर उधर करके ड्रैग करके, मतलब तो बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे ये देखिए टेबल ऑप्शन के थ्रू बताया आपको ये, जैसा मैंने भी बोला आपको दूसरी बार, ये तो हो गया कि बॉक्सेस से आपने एंटर किया, और ये वाला जो है ये टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेगा, टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये खुल जाएगा, जिसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम दे रखा है, नंबर ऑफ रोज दे रखा है, मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो बाय यूजिंग हैंडल्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ टेबल मैनुअली। यू कैन ऑल्सो यूज ऑटो फिट ऑप्शन विच ऑटोमेटिकली रिसाइज द टेबल। आप ऑटो फिट भी यूज कर सकते हो, आप उसको खींच अपने माउस से ड्रैग ड्रॉप करके, सॉरी ड्रैग करके बड़ा भी छोटा भी कर सकते हो, अपने सेल साइज को बढ़ा भी सकते हो, है ना, यहाँ से, और ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इंटर्ड। ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जितना लंबा टेक्स्ट होगा उतना लंबा, उतना चौड़ा कॉलम हो जाएगा आपका, बड़ा छोटा।
ऑटो फिट विंडो में क्या होगा कि आपका कितना भी लंबा मैटर हो वो आपको इतने ही विंडो में फिक्स कर देगा, उससे ना इधर बढ़ेगा ना तो लेफ्ट साइड बढ़ेगा ना राइट साइड बढ़ेगा ना ऊपर टॉप ना बॉटम, वो उतने में ही आपको रैपिंग कर देगा, तो उतने छोटा टेबल में ही आपका एडजस्ट हो जाएगा वो, है ना। इट एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट्स ऑन अ विंडो, विंडो मतलब वो आपका स्क्रीन, आपका ये वाइट एरिया। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, द कॉलम गेट फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल। फिक्स्ड कॉलम में क्या होगा कि कॉलम आपका फिक्स हो जाएगा और जो आपके वर्ड्स होंगे उसके अंदर के वो रैप्ड हो जाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे लिख जाएगा लेकिन वो आपका लंबाई में ऐसा लैंडस्केप में ऐसा बढ़ेगा नहीं, ऐसा हॉरिजॉन्टली, है ना। जैसे आपने इसमें चार वर्ड लिखे, चार वर्ड इस यहाँ तक आ रहे हैं तो वो यहाँ तक ना जाके उसको ऊपर नीचे कर देगा। अब आते हैं एंटरिंग डेटा इन द टेबल, तो बहुत आसान है, आप अपने कॉलम से क्लिक कीजिएगा और उसके बाद उसमें आप टाइप करिएगा तो इंटर होने लगेगा आपका डेटा उसमें। अब हम आते हैं इंसर्टिंग कॉलम्स। कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। टेबल को जब आप टेबल पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। टेबल के यहाँ पर देखोगे कॉर्नर पे, यहाँ पे प्लस का ऐसा साइन आता है, उसको आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक करोगे तो भी आपका लेआउट का ऑप्शन खुल जाएगा। वैसे भी लेआउट आपको मिलेगा तो उसमें आप जाओगे तो किसी भी कॉलम को, जैसे इस कॉलम को आपको सेलेक्ट किया आपने, है ना, तो इंसर्ट राइट बटन इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप, तो राइट बटन को इंसर्ट करोगे आप, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से करोगे तो वो आपका राइट साइड में। दूसरा तरीका ये है कि कॉलम को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें जा कर के भी आप कॉलम को सेट कर सकते हैं, तो उसमें आपको देगा कि कॉलम राइट में डालना है कि लेफ्ट में डालना है, है ना, तो आप राइट लेफ्ट में ना कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो या तो आप यहाँ मेनू से कर लो या तो आप जैसा मैंने बताया कि कॉलम्स को सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए और उससे आप कर सकते हैं इंसर्ट, ठीक है। सेम प्रोसीजर रो के लिए भी होता है, आपको रो में ग्रो करना है तो राइट क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, रो अबव और बिलो, यानी ऊपर रो करना है ऊपर हो जाएगा, नीचे रो करना है नीचे हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं टेबल में जाकर, लेआउट में जा करके, है ना, बॉर्डर पे सेलेक्ट करके भी आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो का ऑप्शन मिल जाएगा कॉलम ग्रुप में, तो वहाँ पर भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी जो मैंने राइट क्लिक करके बताया कि किसी भी रो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए उस पर और इंसर्ट करिए, तो रो अबव या रो बिलो का ऑप्शन आएगा, उससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेम कॉलम के लिए भी होता है। तो डिलीट करना है कॉलम को तो वही तरीका सेम, कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दीजिए। रो को डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अब टेबल स्टाइल आपको बदलना है तो सबसे बढ़िया मैंने बताया आपको, यहाँ पे जब आप टेबल इंसर्ट करोगे यहाँ प्लस का साइन आता है कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टेबल के, ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे, इनमें से आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे तो टेबल का ऐसा डिज़ाइन आ सकता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, आप अपने बुक में इसको देखना, तो इसको आप करना तो ये ऐसा चलेगा। बाकी आप डिज़ाइन टैब में भी जाके कर सकते हो इस चीज़ को, डिज़ाइन टैब से भी आपको ये सारे डिज़ाइन मिलेंगे, इनमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे आपका टेबल डिज़ाइन में आ जाएगा। आप किसी कॉलम का विड्थ सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हम सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो एक डायलॉग खुलेगा, कितना विड्थ हमें कॉलम का देना है यहाँ पर आपको सेट करना है। कॉलम्स वाले टैब में जाना है ऊपर, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉलम्स का टैब है, उसके बाद आपको इसमें जाना है, कितना आपको वैल्यू देना है आप अपना घटा बढ़ा लीजिएगा, प्रीफर्ड विड्थ पे चेक करिएगा, यहाँ पे चेक करेंगे आप, चेक करने के बाद यहाँ पे जितना घटाना बढ़ाना है उतना करिएगा, इंचेस या सेंटीमीटर या आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो इतना करेंगे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम्स उतना चौड़ा हो जाएगा। कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, अब किसी टेक्स्ट को टेबल में बदलना है तो क्या करेंगे हम, जैसे आपने टेबल नहीं लिया पहले, पहले आपने क्या किया, कुछ लिख दिया, फिर उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपने एक लाइन लिखी इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद
आपको क्या करना है, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको लिखना है क्लिक ऑन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फ्रॉम द मेनू, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक कर देना, ये आपको यहाँ पे मिलेगा नीचे, ये देखिए। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये एक डायलॉग खुलेगा आपके सामने ऐसा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे ये सब आपको ऐसा दिखाएगा। आपको क्या करना है, ये पांचवें नंबर देखिए, सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स, है ना, टैब्स पे क्लिक कर देंगे तो सारे जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं वो टैब पर सेलेक्ट हो जाएंगे, और ओके कर देंगे। तो जो इसे ये आपने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 पांच लाइनें, पांच छः वर्ड्स लिखे हैं, तो पांच वर्ड्स आपके कॉलम्स में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको लगाइएगा, समरी पढ़िएगा अच्छे से, और जो एक्सरसाइज है आप उसको लगाइएगा। उसको लगाने के बाद फिर उसको खुद से पहले करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज अच्छा हो, आपका नॉलेज बढ़े। बाकी मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, लेकिन पहले आप इसको खुद से करिएगा, एक आपका होमवर्क भी रहेगा ये, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस अपना समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर, बाय।